गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पिंडी छोले पंजाबी स्टाइल। तो उसके लिए हमने ये छोले लिए हुए हैं। इसे हमने बेकिंग सोडा और नमक के पानी में इसे अच्छे से उबाल लिए हैं। अब देखिए ये कितने सॉफ्ट बन चुके हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हम इसे बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे जीरा, क्यूमिन सीड्स, और यहाँ पे हम लेंगे हंकी चाट मसाला MDH का, और यहाँ पे हम लेंगे ब्लैक काली मिर्ची MDH ब्रांड की, और MDH ब्रांड का ही हम लेंगे पानीपुरी मसाला, और लक्ष्मी ब्रांड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं आमचूर पाउडर और गरम मसाला, और यहाँ पे हम लेंगे नेशनल का गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट नेशनल ब्रांड का, और नेशनल का ही हम लेंगे कसूरी मेथी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को, बहुत इजी एंड क्विक बनने वाली है। सो गाइस यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबल स्पून सूखा धनिया, या 4 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड पेपर पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और नमक लिया है हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो अब हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, ये देखिए, और पानी पूरी का मसाला हम डालेंगे 1 टीस्पून, इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, तो गाइस यहाँ पे हमने लिया है देखिए सूखी कसूरी मेथी लिया है, इसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है 1 टीस्पून लिया है, और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। तो चलिए गाइस अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस देखिए हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हमने यहाँ पे लिया है फ्राई की हुई लाल मिर्ची और जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो गाइस यहाँ पे हमने 1 कप के करीब देसी घी ले लिया है, और देखिए कितना गर्म हो रहा है, इसमें से धुआं आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, साबुत जीरा, क्यूमिन सीड, ये देखिए जब तक जीरा भुन रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जो हमारे मसाले हैं उसे, तो गाइस देखिए अब हमारा जो मसाला है हम इस पे ऐसे डाल देंगे छोलों पे, और अब हम इसमें जो है गरम गरम अपना घी डालेंगे। देखिए हमारी मिर्ची भी रेडी है, और हमारा ये घी अब बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम इसे इसके ऊपर पोर करेंगे। हम कवर कर देंगे। देखिए हमारा ये अच्छे से तैयार हो चुका है, ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस देखिए 2 मिनट में हमारे ये पिंडी छोले बनके बिल्कुल तैयार है पंजाबी स्टाइल में, चटपटे खट्टे और कुछ मीठे से। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए हमारे चटपटे पिंडी छोले बनके रेडी हैं। इसमें हमने गार्निश किया है प्याज, बारीक कटे हुए प्याज और हरा धनिया से, तो ये देखिए। सो गाइस मेरी इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी, और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए इस रेसिपी को ट्राई करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही क्विक एंड इजी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय।